Okay, बेटा तो whenever we have to design a test cross, तो two crosses we have to consider. तो first cross के अंदर you know that one of the parent is always the recessive parent. Okay, बेटा one of the parent is always a recessive parent. So another parent whose genotype actually we want to check. So there may be two parents in that case. One may be in homozygous condition and another may be in heterozygous condition. तो जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपने इसी तरीके से लिखना है. तो सी फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन अ क्रॉस इन विच एन इंडिविजुअल विद अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव इंडिविजुअल फॉर दैट ट्रेट. ठीक है, तो एक पेरेंट हमेशा हम रिसेसिव पेरेंट लेंगे और दूसरा पेरेंट जो है वो ऐसा है जिसका कि हमें फिनोटाइप जो है, ठीक है, जो भी उसका फिनोटाइप है उसके बेसिस पे वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वी आर सो मच डाउटफुल अबाउट दैट. सो इन ऑर्डर टू रिलीव फ्रॉम दैट डाउट वी डू दिस क्रॉस. तो केस वन के अंदर या कंडीशन वन में आप होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं. ठीक बेटे, फिनोटाइप में तो दोनों ही होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस जो है वो एक ही तरह का करेक्टर शो करेंगे, दैट इज नॉट ऑल करेक्टर. सो हेयर वी हैव टेकन वन पेरेंट हूज यू कैन से जीनोटाइप वी वॉन्ट टू टेस्ट. So another parent is a recessive, homozygous recessive parent. So what you obtained, तो कहते हैं कि उस केस में हमें parents जो हैं उसमें जो alleles मिलेंगी, ठीक बेटे, तो वो alleles जो हैं देखो दो हमें capital T मिल जानी है and दो भी हमें small T मिल जानी है. तो when we draw the Punnett square, तो all the four जो हमें gametic combinations यहाँ पे मिलेंगे वो capital T small T होंगे, मतलब चारों के चारों जो हैं वो tall रहेंगे. और अगर हमने हेटरोजाइगस कंडीशन कंसीडर की है, हेटरोजाइगस पेरेंट लिया है, तो उस केस में हमें 50% जो है वो टॉल नजर आती है और उनका मेकअप रहेगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी 50% और 50% जो है वो हमें ड्वार्फ नजर आते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक है, तो अगर 50-50 का कॉम्बिनेशन रहता है इसका मतलब पर्टिकुलर पेरेंट जो है जिसके बारे में हम डाउटफुल है वो हेटरोजाइगस कंडीशन रखता है. और अगर हमें 100% जो है टॉल करेक्टर नजर आते हैं यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस फुली यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है उस केस में दैट पेरेंट जिसका कि हम फिनोटाइप या जीनोटाइप चेक करना चाहते हैं वो एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट. ठीक बेटे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहते हैं कि यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus. ठीक है, तो इस केस में देखो उसने सेम करेक्टर से ही यहाँ पर वही करेक्टर्स ले लिए पी प्लांट वाले, पर इसकी जगह पे अगर आप ह्यूमंस के केस में कंसीडर करें तो वो भी आप ले सकते हो. फिर से सुनेंगे क्वेश्चन को, कहते हैं कि आपने पुनेट स्क्वायर जो है उसको यूज करके, ठीक है, आपने बताना है फिनोटिपिक फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन में अगर क्रॉस जो है वो किसके बीच में करवाया जाता है होमोजाइगस यहाँ पे फीमेल है हमारे पास और मेल जो है वो यहाँ पे हेटरोजाइगस है. ठीक बेटे, पहले जो स्क्रीन पे आपको एग्जांपल नजर आ रहा है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ, फिर अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल हम लेते तो उसके बेसिस पे कैसे होगा. ठीक, तो से अगर हमने हेटरोजाइगस मेल को रिप्रेजेंट किया है तो उसका मेकअप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्लांट हाइट करेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा एंड इफ फीमेल प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मेकअप यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए उसका मेकअप जो है वो स्मॉल टी रहेगा. ठीक बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि एफ वन जो है उसके अंदर हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो उस केस में देखिए कैपिटल टी, ठीक है, होमोजाइगस वन मिनट यस हेटरोजाइगस मेल है एंड फीमेल जो है वो होमोजाइगस है. ठीक बेटे, तो उस केस में वो कहते हैं कि हमें 50-50% चांसेस जो है वो रहेंगे यहाँ पर. तो देखिए 50% हमें करेक्टर मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 50% ही हमें स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मिलेंगे. ठीक है, अगर सेम क्रॉस जो है उसको हमने ह्यूमन के केसेस में करना होता तो मेल का मेकअप यहाँ पे रहना था एक्स वाई एंड फीमेल जो है उसका होना था एक्स एक्स. ठीक बेटे, तो फीमेल में से दो क्रोमोसोम आने थे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स एंड मेल में से कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आने थे. तो जब आप रैंडमली कंबाइन करेंगे
इन एलील्स को, इन क्रोमोसोम्स को, तो आपके पास मेकअप हो जाएगा एक्स एक्स, एक फीमेल आपको मिल जाएगी, एक्स वाई मेल, देन एक्स एक्स फीमेल, देन एक्स वाई मेल, यानी 50% हमें जो है दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग्स जो है उनके मिलने की गुंजाइश रहेगी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ टॉल प्लांट विद येलो सीड। ठीक है, आपको ऑलरेडी उसने लिख के बताया हुआ है कि जीनोटाइप क्या है यहाँ पे। तो टॉल प्लांट है जिसके की सीड कैसे है, येलो सीड है, पर वो हेटरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल टी ना लिखकर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, और येलो करेक्टर जो है सीड का जो येलो कलर है वो भी हेटरोजाइगस है, तो इसीलिए हमने कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई लिखा। ठीक है, उसकी क्रॉसिंग करवाई जाती है एक अनदर प्लांट के साथ जो टॉल प्लांट है, पर उसके सीड कैसे है, ग्रीन सीड है, तो उसका जीनोटिपिक रेशियो जो है, जीनोटिपिक मेकअप उसका क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आपने बताना है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी। ठीक है, टॉल एंड ग्रीन हमें कितने मिलने वाले हैं, एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन हमें कितने मिलने वाले हैं। तो देखो, यहीं से हमने उसके जो है एलीलिक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक बेटे, ये कैसे फाइंड आउट किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, पहले हमने दोनों का जो है मेकअप लिख लिया है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। टॉल ग्रीन का देखिए, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब यहां से आप एक कैपिटल टी लेंगे और उसको इन दोनों वाई के साथ बारी बारी करेंगे, तो सी कैपिटल टी को कैपिटल वाई के साथ किया तो फर्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे गैमेटिक कॉम्बिनेशन आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल वाई, देन कैपिटल टी को स्मॉल वाई के साथ, देन स्मॉल टी को कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई। तो 4 हमें यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप कैपिटल टी को स्मॉल वाई के साथ करते हैं तब आपको कैपिटल टी स्मॉल वाई मिलता है, उसके बाद अगेन दूसरे वाले से भी करेंगे तब भी आपको कैपिटल टी स्मॉल वाई ही मिलेगा। फिर देखिए, स्मॉल वाई को स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई को करेंगे तो ये वाला टी वाई कॉम्बिनेशन मिलना है, अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई को करेंगे तब भी सेम ही मिलेगा। तो इसीलिए हमने 4 जो है कॉम्बिनेशन लिखने की जगह पे 2 लिखी है यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 4 ही है। ठीक बेटे, तो उसके बाद देखिए, यहाँ वाले चारों कॉम्बिनेशन को हमने ऊपर टॉप पे लिख लिया है, एंड यहाँ वाले जो है हमको इधर लिख लिया है, तो उनके बेसिस पे देखिए हमें अलग अलग जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो फर्स्ट हमने कैपिटल टी स्मॉल वाई जो है इनको चारों के साथ कर लेना है, तो वी हैव कैपिटल टी कैपिटल टी, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन वी हैव कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक बेटे, उसी तरह से नीचे वाला स्मॉल वाई एंड कैपिटल स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई को भी 4 जो ऊपर वाले हैं कॉम्बिनेशन उनके साथ कर लेंगे, तो वी हैव कैपिटल टी स्मॉल वाई, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर देखिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, देन स्मॉल वाई, देन वी हैव स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, एंड देन वी हैव स्मॉल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, वी आर एबल टू फाइंड आउट कि कितने यहाँ पे टॉल है और किस तरह की येलो कंडीशन रखेंगे। देखो, फर्स्ट वाले के बारे में अगर हमने बताना होता तो कैपिटल टी जो है इसका मतलब ये टॉल होगा एंड कैसा होगा, येलो होगा। ठीक है, सेकेंड वाले को देखिए, ये कैसा होगा, टॉल होगा, और स्मॉल वाई है तो कैसा होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, थर्ड वाले को देखिए, ये टॉल होगा एंड दूसरा जो है येलो रहेगा, तो ये टॉल एंड येलो होगा। ठीक बेटे, ये वाला कैसा रहेगा, तो ये भी टॉल होगा पर कैसा होगा, ग्रीन होगा। उसके बाद देखिए, नीचे वाले पेयर्स में हमारे पास दिस इज टॉल येलो, दिस इज अगेन टॉल एंड ग्रीन, तो ये वाला कैसा है, तो ये वाला जो है उस केस में देखिए स्मॉल टी हमारे पास आया तो इसका मतलब ये डॉर्फ होगा और कैसा होगा, येलो होगा। ये वाला देखिए डॉर्फ होगा और ग्रीन होगा, तो उसके बेसिस पे हमने ये कॉम्बिनेशन ऑब्टेन किए हैं कि टॉल एंड ग्रीन जो है वो हमारे पास 3 आए हैं, एंड डॉर्फ एंड ग्रीन जो है वो हमारे पास 1 आए हैं। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो में टॉल येलो 3 है हमारे पास, टॉल ग्रीन भी 3 है, डॉर्फ येलो कितने हैं, 1 है, एंड डॉर्फ ग्रीन कितने हैं, 1 है। ठीक बेटे, तो टॉल एंड ग्रीन जो होंगे वो 3 होंगे, एंड डॉर्फ एंड ग्रीन जो होंगे वो हमारे पास 1 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
तो रेफरेंस बुक में इसको अलग करेक्टर्स, आप किसी भी करेक्टर्स को चूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखिए उसने बोला है आपको कि टू हेटरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, हेटरोजाइगस कंडीशंस रखते हैं। ठीक है, इफ द टू आर वन मिनट, इफ द टू लोसाई आर लिंक्ड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, इफ द टू लोसाई आर लिंक्ड what would be the distribution of the phenotypic features in F1 for a dihybrid cross? ठीक है बेटे, इसके लिए हमें क्रॉस बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सीधे भी इसका आंसर दे सकते हैं। फिर से समझेंगे, कहते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो हेटरोजाइगस कंडीशन में है, और अगर वो कहते हैं कि उनको उनके करेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं, ठीक है, अगर वो जिस लोसाई के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो लिंक्ड हैं दोनों ही जीन्स आपस में, तो आपने ये बताना है कि फिनोटिपिक फीचर्स F1 जनरेशन के अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो आपको नजर आएंगे वो कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है क्रॉस, एंड देयर इज वन क्रॉस इन द रेफरेंस बुक, तो उसमें उसने लिंकेज में दो करेक्टर्स जो कंसिडर किए हैं, ठीक है, प्लांट के लिए, तो उसके लिए उसने टू करेक्टर्स कंसीडर किए हैं कि ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो है ग्रेन्स का कलर ब्लू है और लॉन्ग ग्रेन्स है। तो मैंने अभी बोला कि दोनों पेरेंट जो है वो ही हेटरोजाइगस है, तो अगर मैं हम बोलते हैं कि ब्लू कलर के ग्रेन्स है, तो देखो कैपिटल बी अगर मैं लेती तो वो होमोजाइगस कंडीशन होती, पर मुझे हेटरोजाइगस कंडीशन शो करनी है, तो इसलिए हमने एक करेक्टर लिया कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरा करेक्टर जो है वो लॉन्ग ग्रेन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो लॉन्ग ग्रेन्स के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल एल और स्मॉल एल लूंगी, क्योंकि हेटरोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस नहीं है, तो दोनों पेरेंट्स जो है उसके अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, दूसरे पेरेंट का भी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फिनोटाइप हमें कौन सा नजर आएगा F1 जनरेशन में, तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इसका जीन्स आर लिंक, तो दिस मीन्स दैट F1 जनरेशन जो है उसके अंदर तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, तो हमें जो है दोनों करेक्टर्स जो है उसमें से डोमिनेंट करेक्टर जो है वो यहाँ पे नजर आने वाला है, तो यहाँ पे ब्लू और लॉन्ग ब्लू कलर के लॉन्ग ग्रेन्स हमें नजर आएंगे प्लांट के अंदर। ठीक है, पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इफ द जीन्स आर कम्प्लीटली लिंक्ड, अगर जीन्स जो है कम्प्लीटली लिंक्ड है, तो जब हम इसकी F2 जनरेशन देखेंगे तो व्हाट यू सी इन द F2 जनरेशन, ठीक है, वी ओनली सी द पेरेंटल करेक्टर्स एंड द नॉन पेरेंटल करेक्टर्स आर नॉट सीन। ठीक है, सेफ और सेफ हमें पेरेंटल करेक्टर्स भी नजर आएंगे F2 जनरेशन में, नॉन पेरेंटल करेक्टर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। एंड सेकेंड केस क्या हो सकता है कि इफ द लिंकेज इज नॉट अ कम्प्लीट लिंकेज, ओके, इंस्टेड ऑफ दैट इफ इट इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज, तो उस केस में वो कहते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल बी अपियर मोर एज कम्पेयर टू द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास 100 ग्रेन्स हैं इस तरह के, तो उसमें से 75 ग्रेन्स जो है वो ब्लू लॉन्ग करेक्टर रखेंगे, यानी ब्लू कलर होगा उनका और लॉन्ग होंगे वो साइज में। ठीक है, और बाकी बचे हुए 25 जो है वो ऐसे होंगे जिनमें जो है अदर करेक्टर्स जो है वो नजर आएंगे, मतलब हमें जो है पेरेंटल करेक्टर 75% नजर आएंगे एंड 25% हमें नॉन पेरेंटल करेक्टर्स नजर आएंगे, विच इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक बेटे, तो बस इतना आपने इसका आंसर देते टाइम आपने दोनों केसेस को कंसीडर करना है, अगर कंप्लीट लिंकेज है तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल करेक्टर्स नजर आएंगे, नॉन पेरेंटल करेक्टर्स बिल्कुल नहीं नजर आएंगे, पर अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो उस केस में 100 में से हमें 75%, ठीक है, कौन से करेक्टर्स नजर आएंगे पेरेंटल, एंड 25% जो है वो हमें कौन से करेक्टर नजर आएंगे जो नॉन पेरेंटल करेक्टर होंगे, मीन्स क्रॉसिंग ओवर तो होगा, पर क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें हमें जो है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, और क्रॉसिंग ओवर भी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच डिस्टेंस इज देयर बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स, अगर दो लिंक्ड जीन्स के बीच में कुछ ऐसा डिस्टेंस है जिससे कि जीन्स जो है उनकी शिफ्टिंग हो सकती है अनदर क्रोमेटिड में। ठीक है, वैसे तो इट इज नॉट इजी टू शिफ्ट दिस जीन्स बिकॉज बोथ ऑफ द जीन्स आर द लिंक्ड वंस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर डिस्टेंस इतना है कि वो किसी कंडीशंस में जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाते हैं, तो लगभग 25% तक जो है दे विल शो दोस करेक्टर्स।
ओके बेटे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर है हम। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो इसमें आपने ये बताना है कि मॉर्गन वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, हु हैज डन अ सिग्निफिकेंट वर्क इन केस ऑफ, यू कैन से सेम, ठीक है, जिस तरह से मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट जो है उसके ऊपर काम किया था, मॉर्गन जो थे उन्होंने जो है जो अपना वर्क किया है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया है एंड इट इज नोन एज द फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो ही हैज सेलेक्टेड ड्रोसोफिला बिकॉज ड्रोसोफिला इज इजिली अवेलेबल, ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी टू कल्चर द ड्रोसोफिला, नो एक्सपेंसिव मीडियम, कल्चर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक बेटे। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज एबल टू स्टडी द वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट सेक्सेस ऑफ द ड्रोसोफिला। तो अगर किसी तरह के कोई ऐसे करेक्टर्स हैं जो सेक्स लिंक्ड जीन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं तो उसको मेंडल जो थे वो इजिली, नहीं, मॉर्गन जो थे वो इजिली स्टडी कर सकते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाली जो भी वेरिएशंस थी उसको स्टडी करना मॉर्गन के लिए इजी था। उन्होंने बहुत सारे अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए ड्रोसोफिला पे और उनके बेसिस पे व्हाट दे हैव कंक्लूडेड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन अ लीनियर फैशन, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती है एक लीनियर फैशन में, ठीक है, एंड सम ऑफ देम लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, और कुछ जीन्स जो है वो एक दूसरे के इतने पास है कि उनके बीच में उनका एक दूसरे से सेपरेट होना जो आपको पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सो दे हैव द टेंडेंसी टू मूव टुगेदर एंड सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। सो द फिनोमेना ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, लेटर ऑन हिज स्टूडेंट स्टूवर्ट, स्टूवर्ट जो थे उनके स्टूडेंट, उन्होंने जो है ये बताया कि द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, ठीक है, दो जीन्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मोर द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस जो है जीन्स के बीच में ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो उस केस में लिंकेज का केस रहेगा एंड द जीन्स दे टेंड टू मूव टुगेदर टू द अनदर क्रोमेटिड, ठीक है, दे कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते इन सच अ कंडीशन व्हेन द जीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू मूव टुगेदर ऑन द अनदर क्रोमेटिड, दैट मींस आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द लिंक्ड जीन्स, तो इन सच अ कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेरेंटल कैरेक्टर्स दे अपीयर मोर एज कंपेयर टू द नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स depending upon how strong is the linkage. If there is a complete linkage, then all the characters that appear in the F1 as well as F2 generations, they are the parental characters only. But if there is an incomplete linkage, still some distance is there between the two genes, in that situation, parental characters, they are 3 times more as compared to the non-parental characters. ठीक बेटे, तो लिंकेज के बारे में यहाँ पे हमें बताना जरूरी है क्योंकि उन्होंने जो है सबसे पहले लिंक्ड जीन्स के बारे में बताया था और उसके जो वर्क था उनको कंटिन्यू किया था उनके स्टूडेंट अल्फर्ड स्टूबर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, ही एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, डिस्कवर्ड सेक्स लिंकेज, उन्होंने ये बताया कि कुछ सेक्स लिंक्ड जीन्स जो है, ठीक है, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है और कैसे जीन्स हैं लिंक्ड जीन्स हैं। उन्होंने क्रोमोसोम मैपिंग जो है उसके कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया अपने स्टूडेंट अल्फर्ड की हेल्प से एंड ही आल्सो रोट अ बुक थ्योरी ऑफ जीन एंड फॉर दिस ही वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन द ईयर 1933, ठीक है, विच ही शेयर जॉइंटली विद हिज स्टूडेंट अल्फर्ड स्टूबर्ट। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 पर है हम। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ ए रिकॉर्ड, आपको बताया था कि ये एक तरह का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, अबाउट द सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स एंड अबाउट देयर इनहेरिटेंस, कि पर्टिकुलर जीन जो है वो जिन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जीन जो है वो जनरेशन से कितनी जनरेशन से जो है मूव करता हुआ आ रहा है प्रेजेंट जनरेशन तक। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हमें जो है पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड बताती है, ठीक है, कई जनरेशन का और किस जनरेशन के अंदर जो है वो पर्टिकुलर जीन जो है वो प्रेजेंट था, ठीक, और उसके बेसिस पे जो है हम जो है
एनालाइज कर सकते हैं कि दिस चेन इज कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ और इनहेरिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन फ्रॉम दीज जेनरेशन. ठीक है, द कैरेक्टर इज अपियर्ड इन द जेनरेशन. तो देखो बेटा यहाँ पे दोनों मैंने साइड के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं. यहाँ पे मॉर्गन के बारे में लर्न सीबीएसई में ज्यादा दिया हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस. ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन यहाँ पे अच्छी दी हुई है. देखिए, पेडिग्री एनालिसिस इज स्टडी ऑफ पेडिग्री फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट एंड फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट ट्रेट इन होमोजाइगस और हेटरोजाइगस स्टेट इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ठीक है, सिर्फ पेडिग्री एनालिसिस से हमें कोई पर्टिकुलर जीन जो है उसके इनहेरिटेंस की भी जानकारी नहीं मिलती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. वेयर एज इट ऑल्सो टेल्स अस, ठीक है, वेदर द जीन विच इज कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है, वो एक होमोजाइगस कंडीशन से रिलेटेड है या फिर हेटरोजाइगस कंडीशन से रिलेटेड है. मतलब हमें यह भी पता लग जाता है कि दैट पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट ऑन अ ऑटोसोम एंड वेदर द ऑटोसोम इज ऑटोसोम दैट ऑटोसोम विच एक्चुअली कंट्रोल द डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ जीन है, ये भी हमें पता लगता है. अब पेडिग्री एनालिसिस जो है वो कैसे हेल्प करती है हमारी, तो उसमें देखिए इन एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इन फैमिली ओवर जनरेशन. तो आप एक पर्टिकुलर फैमिली जो है उसके कई जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ही यू कैन कंक्लूड कि पर्टिकुलर कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दीज फैमिलीज. ठीक है, इन फैमिलीज की जनरेशन में कब से वो करेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होते आ रहा है. उसके बाद देखो, इट इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट some of the genetic diseases, okay, which is because of some defective genes in the family history of an individual, like hemophilia, okay, yahan fir hamare paas sickle cell anemia hai, to aapko pata hai ki sickle cell anemia jo hai it is an autosomal recessive type of disorder. Hemophilia jise hum bleeder disease kehte hain, to wo bhi hum jo hai easily find out kar sakte hain ki kaun sa defective genes hai. Aur hame ye bhi pata lag jayega ki agar wo sex chromosome se related hai, ठीक है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेंट कंडीशन वाला है या फिर रिसेसिव वाला है. तो आपको पता है कि हीमोफीलिया के केस में जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज रहती है एंड फीमेल इज अ कैरियर एंड मेल जो है उसमें सिर्फ वन एक्स क्रोमोसोम इज देयर, सो मेल जो है वो उसका विक्टिम रहता है. ठीक बेटे, टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज इज ड्यू टू रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल ऑरिजन ऑफ द डिफेक्टिव जीन इन द फैमिली और इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, ये भी पता लग जाता है कि पर्टिकुलर डिफेक्टिव जीन जो है वो कौन सी जनरेशन से उसका ओरिजिन हुआ था और कितनी जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफर होता जा रहा है. तो अगर हमें पता लग जाता है ओरिजिन ऑफ दैट डिफेक्टिव जीन्स, तो इन द प्रेजेंट जनरेशन वी कैन रिमूव दैट डिफेक्टिव जीन्स बाय द मेथड ऑफ जीन थेरेपी एंड इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस इज पॉसिबल बिकॉज पता लग जाएगा कि सो एंड सो जीन इट इज डिफेक्टिव, तो उसकी वजह से कौन सा बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं हो रहा है. तो अगर हम उसको जीन थेरेपी से रिमूव कर देते हैं तो पर्टिकुलर डिफेक्ट जो है उसको क्योर किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चन सबको आता है, हम दोबारा नहीं करेंगे. हाउ इज सेक्स डिटरमिंड इन ह्यूमन बीइंग्स, फ्रॉम सो मेनी इयर्स वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इसमें बस आपने इतना याद रखते हैं कि फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है एंड मेल जो है वो हेटरोगैमेटिक है ह्यूमंस के अंदर. तो एक्स वाई इज द मेकअप ऑफ द मेल एंड फीमेल की एक्स एक्स है, तो वी हैव फोर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हियर एक्स 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 एंड वाई. यू आर एबल टू ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव एक्स एक्स इंडिविजुअल 50% एंड एक्स वाई इंडिविजुअल भी आल्सो 50%. ठीक बेटे, आप देखिए चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप ओ, ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किया था अगर आपको याद हो. इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड द मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, work out the genotype of the parents and the possible genotypes of other offsprings. ठीक बेटे, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. कहते हैं कि चाइल्ड जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, एंड फादर जो है उनका ब्लड ग्रुप ए है एंड मदर जो है उनका ब्लड ग्रुप बी है. पर आपको पता है कि दिस इज अ केस रिलेटेड विद मल्टीपल एलेलिज्म. तो अगर वो कहता है कि फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, तो देखो दो तरह की कंडीशन हो सकती है. या तो फादर का मेकअप जो है वो क्या हो सकता है आई ए एंड स्मॉल आई, और मदर का मेकअप हो सकता है कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई. ठीक है बेटे, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि फादर के अंदर दोनों ही डोमिनेंट वाले एलील्स प्रेजेंट है, यानी
कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई ए एंड मदर के अंदर कैपिटल आई बी एंड कैपिटल आई बी, ठीक है। तो दोनों केसेस को एम के बेसिस पे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखो, इसने हेटरोजाइगस कंडीशन को पहले कंसीडर किया है। तो देखो, फादर एंड मदर में से मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसलिए उसने लिखा है आई बी स्मॉल आई, एंड फादर के लिए लिखा है आई ए एंड स्मॉल आई, ठीक है। चार तरह के एलील्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे सेग्रीगेट होने के बाद, कैपिटल ठीक है आई बी एंड स्मॉल आई, देन कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई। अब इनको रैंडमली कंबाइन कर दोगे आप उसी तरीके से जैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो आई बी को लेके आई ए और स्मॉल आई के साथ, देन स्मॉल आई को लेकर आई ए एंड आई स्मॉल आई के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे आई ए आई बी, देन वी हैव आई बी एंड स्मॉल आई, देन आई ए एंड स्मॉल आई एंड स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि एक चाइल्ड जिसका मेकअप स्मॉल आई है, वो यहाँ पर जो है ओ ब्लड ग्रुप रखता है, एंड उसके अदर जो सिबलिंग्स हैं फैमिली के, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो अगर दोनों डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है आई ए एंड आई बी, तो ए बी होगा। अगर आई बी और स्मॉल आई है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर आई ए और स्मॉल आई है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक बेटे। दूसरे क्रॉस को भी आप ड्रॉ करके देखेंगे सेम तरीके से, तो उसमें आपको कौन से कॉम्बिनेशन मिलते हैं, काफी कुछ मिलते जुलते कॉम्बिनेशन ही रहेंगे वहां पर भी, ठीक है। मेथड सेम रहेगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है उसको भी। अब यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। को डोमिनेंस क्या होता है, तो ऐसा नेम इटसेल्फ इंडिकेट, इन केस ऑफ को डोमिनेंस के केस में, ठीक है, टू एलील्स जो है वो एक टाइम पे जो है वो डोमिनेंट रहती है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप जिसे हम कहते हैं, और एबीओ ब्लड ग्रुप में जो है थ्री एलील्स हमारे पास है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। स्मॉल आई रिसेसिव है, जबकि कैपिटल आई एंड कैपिटल आई ए और आई बी जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स है, ठीक है। उसका आपको बताया भी था कि आरबीसीज के सर्फेस पे वट टाइप ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जो है ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में बताते हैं। अगर ए एंटीजन जो है प्रेजेंट है आरबीसीज की सर्फेस पे, या फिर बी एंटीजन प्रेजेंट है, या फिर ए बी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, या फिर कोई भी नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो उस केसेस में हमारे पास वो ब्लड ग्रुप है। फिर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो हेयर क्या होता है कि यहाँ पर हेटरोजाइगोट जो हमें F1 जनरेशन में मिलता है, तो दैट हेटरोजाइगोट is supposed to be expected that it should resemble the character of the dominant parent, but this may not be the case here. So here because of the presence of some inefficient enzyme, ठीक है, यहाँ पे एक inefficient enzyme की वजह से वो कहते हैं कि जो recessive parent है उसका character भी appear हो जाता है, क्योंकि in the presence of the dominant gene की presence में recessive parent it always hides its character, but in case of incomplete dominance as the modification it actually occurs in the recessive parent. So what is the actual character of that recessive parent, that he is supposed to hide the character, but because the gene that is hiding that character here is not doing a successful functioning, so because of that half of the expression it comes in the heterozygote. So usmein aap mirabilis jalapa ya 4-o'clock plant ka example de sakte hain, ठीक है बेटे। 4-o'clock प्लांट जो है या मिराबिलिस जलापा में रेड एंड व्हाइट कलर फ्लावर्स होते हैं, एंड F1 में हमें पिंक कलर फ्लावर्स मिलते हैं, F2 में भी हमें रेड व्हाइट एंड पिंक कलर फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज अ काइंड ऑफ ए जीन म्यूटेशन का टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि डीएनए जो है उसमें जो प्रेजेंट जीन्स है, तो आपको कहा था कि जीन्स जो है वो ट्रिपलेट ऑफ बेसिस यानी कोडॉन्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड होती है, ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट ऑफ बेसिस है और उसमें से कोई भी एक बेस पेयर जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, किसी भी एक बेस पेयर जो है वो उसके डिफेक्टिव होने की वजह से जो म्यूटेशन होती है उसको हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि वन जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपलेट ऑफ बेसिस नाइट्रोजीनियस बेसिस नोन एज कोडॉन्स। सो इफ द थ्री बेसिस ऑफ दिस कोडॉन एनी वन बेस इज डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो सच अ कंडीशन इज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया का आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है बेटे। सिकल सेल एनीमिया में अगर आपको याद आ रहा हो, हमारे पास कोडॉन था GUG और उसके बाद वो कोडॉन जो है सेंट्रल बेस यूरासिल में मॉडिफिकेशन इज देयर,
and instead of u g u g हमारे पास g a g हो गया था, तो उससे बनने वाली अमाइनो एसिड में भी चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड जो है वो फॉर्म होनी चाहिए थी, वेलाइन बन गई थी, तो डिजीज उसकी वजह से अपीयर हुई और आरबीसी की जो शेप है वो सिकल शेप हो गई। यहाँ पे वो एग्जांपल आप पॉइंट नोटेशन का दे सकते हैं। ओके बेटे, उसके बाद देखिए, हु हैज प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ऑलवेज रिमेंबर सूटन एंड बूगरी इन द ईयर 1902। ठीक है, बोथ द साइंटिस्ट दे हैव इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी। ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेंडेलियन हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिनको कि हम जीन्स के नेम से जानते हैं, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो ट्रांसमिशन है, वो एक्चुअली बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जीन्स का जो मूवमेंट है वो एक्चुअली क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, दे प्रपोज दैट क्रोमोसोम्स वर द कैरियर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर व्हीकल्स हैं हेरिडिटी के, एंड जीन्स यहाँ पर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, इट इज द क्रोमोसोम एंड नॉट जीन्स। ठीक है बेटे, ये वो कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ना कि जीन्स होते हैं, जो सेग्रीगेट करते हैं और असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। निशांत, यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक बेटे, जिसको मैंने थर्ड पॉइंट आपका बताया है कि जब भी सेल डिवीजन होती है तो उस दौरान इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्रोमोसोम्स का होता है, ना कि जीन्स का होता है, क्योंकि जीन्स का मूवमेंट एक्चुअली क्रोमोसोम्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट नंबर 3 हमें यही बोलता है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मींस हियर ही इज टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम नॉट ऑफ जीन्स। एंड जीन्स का जो सेग्रीगेशन है वो जो है या उसका जो असॉर्टमेंट है, ठीक है बेटे, वो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जीन्स का अगर सेग्रीगेशन या असॉर्टमेंट की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ द एलील पेयर, ठीक है, नॉट ऑफ द जीन्स। ठीक, तो क्रोमोसोम्स जो है वो जो है इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं मियोसिस के दौरान, और वही जो है रिकम्बाइन होने के बाद जायगोट जो है उसके अंदर जो है न्यू कॉम्बिनेशन जो है उनको फॉर्म करते हैं। ठीक, तो लास्ट पॉइंट देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज लेटर एक्सपेंडेड बाय अदर साइंटिस्ट, एंड दो साइंटिस्ट हु हैव प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थ्योरी आर मॉर्गन स्टुअर्ट एंड ब्रिज। ठीक है, ब्रिज जो थे उन्होंने लिंकेज के बारे में फर्दर बताया था, एंड इसके अलावा उन्होंने म्यूटेशंस के ऊपर भी रिसर्च की थी, तो उनके बारे में यहाँ नहीं दिए थे। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम। तो आपने ऑटोसोम से रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है। तो वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी डिसऑर्डर्स हियर, तो उसमें आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता सकते हो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, फिनाइल क्यूटेनोरिया के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, टू मोर आर ऑल्सो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस या थैलेसीमिया भी है। तो आपने ऑटोसोम से रिलेटेड बताने हैं, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं बताने हैं। कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करेंगे तो वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ठीक बेटे, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया। कोई भी दो डिसऑर्डर्स जो हमको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बेटे, इसके अंदर जो है उसने ठीक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऑटोसोम से रिलेटेड देना है, तो आप डाउन सिंड्रोम भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, क्लाइनफेंटर एंड टर्नर सिंड्रोम नहीं देंगे, बिकॉज वो क्रोमोसोम से रिलेटेड, वो उससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से। ठीक बेटे, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की, और अब जो निशान का क्वेश्चन था वो मैं बता रही हूँ। ठीक बेटे, तो फर्स्ट जो टेबल है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एंड सेकंड जो है वो जीन से रिलेटेड है। देखो, फर्स्ट टू पॉइंट बिल्कुल सेम है, क्रोमोसोम्स भी पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, जीन्स भी। ठीक है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, इट इज करेक्ट बोथ फॉर द क्रोमोसोम एज वेल एज फॉर द जीन्स। बट थर्ड पॉइंट शो द आइडेंटिटी कि ए पॉइंट, ए जो टेबल है वो क्रोमोसोम को बिलोंग करता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अगर दो क्रोमोसोम हमारे पास बायवेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकते हैं सेल डिवीजन के दौरान, क्योंकि मियोसिस के दौरान यह देखा गया है कि क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट करती है। और यहाँ पे देखिए, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, मतलब एक क्रोमोसोम पे अगर दो जीन्स प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर होता है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी दो जीन्स प्रेजेंट है, तो क्रॉसिंग